like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mindpower for all competitive exams. Today in our session, we're discussing about TS state. Subject is English. So what is today in our topic? Let's check out. So those who are new and old, do like, subscribe and hit bell icon for latest update. You may also join with me on Telegram channel, YouTube, Instagram. All links are provided in description box. We bring in front of you 30 days crash course, paper 1 complete packages, paper 2 selected packages also available, bilingual explanation, pre-recording sessions also available on your flexible time. Target 100%, hurry up, batches start soon. For more queries, you may join with me on special subscription channel, Telegram channel provided in link provided in description box. So today our subject is English. We have already discussed what is adjective. So today in our session, we're discussing types of adjectives. So what are the types of adjectives? Let's check out types of adjectives. So what is types of adjectives? So first our proper adjective. First one is proper adjective. A proper adjective is an adjective that comes from a proper noun. There are some adjectives that are based on people and places. Here what they have told, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये proper adjective होता क्या है? Proper adjective वो होता है जो के proper noun के बारे में हमने already एक session में जाना था. Noun क्या है, proper types of noun में proper noun भी आ चुका था. तो देखिए, एक से एक सेशन लिंक रहता है. इसी प्रकार अगर आपने नाउन के बारे में जाना है तो अच्छा है, नाउन का भी सेशन हमने बनाए, क्योंकि ये इस पे डिपेंड, यहाँ पर देखिए सेशन डिपेंडेड है. और टाइप्स ऑफ नाउन हमने इसलिए बताए, देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. अब आप यहाँ पर नाउन जानोगे, प्रॉपर नाउन क्या है ये पता होगा, तब आपको प्रॉपर एडजेक्टिव सीखने में आसानी होगी. इसलिए हम टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ये प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, एडजेक्टिव हमें किसे कहते हैं, जो कि नाउन की क्वालिटीज़ को एंड नाउन की स्टेट को यहाँ पर दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और प्रॉपर एडजेक्टिव जो है यहाँ प्रॉपर नाउन के साथ आता है. अब जिन्होंने भी नाउन सेशन नहीं देखा है, टाइप्स ऑफ नाउन नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको यहाँ पर सभी सेशंस को समझने में. तो जो प्रॉपर नाउन के साथ आता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव कहलाता है. यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ जो एडजेक्टिव आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. There are some adjectives that based on the people and places. ये प्रॉपर एडजेक्टिव किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंडेड है, तो ये प्रॉपर प्लेस के बारे में बताया जाता है. प्रॉपर नाउन प्रॉपर जो प्लेस के हैं, नाउन है जो नाउन है उसके जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस में जो प्रॉपर उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, तब यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव आता है. एंड प्रॉपर पीपल्स के बारे में यहाँ पर जब भी बात होगी तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव. और भी हम जानेंगे इसके बारे में. यहाँ पर समथिंग डॉट ऑरिजिनेट, यानी कि जो कुछ से ऑरिजिनेट होता है यानी कि निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. लिस्ट ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए, यहाँ पर जो लिस्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव के, यहाँ पर पीपल के बारे में प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं ये देखिए. जो भी यहाँ पर अमेरिकन है, अमेरिकन के रिलेटेड, जापानीज के रिलेटेड, जो भी यानी कि जो यहाँ पर नेम होते हैं, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, नेपोलिस्ट, मोइस्ट, कन्फ्यूजन, ये जो नेम्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर ये जो एक इंसान के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक ही इंसान को हम टारगेट कर बात कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को यहाँ पर दर्शाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव. जब प्रॉपर एडजेक्टिव आपको पता चलेगा तब यहाँ पर आपको समझने में इजी हो जाएगा. यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में अगर आपको अच्छे से पता हो, जिन्होंने भी हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं सेशंस, उनके लिए ये बहुत ही आसान होगा.
अगर हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में प्रॉपर यहाँ पर जो नाउन यानी कि नेम होता है प्रॉपर नेम के साथ अगर यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शाता है तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर एग्जांपल पर देखते हैं, रोमन आर्किटेक्चर इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है ये हो जाएगा आपका नाउन, ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है। अब ये हम पर देखिए पर्टिकुलर, यहाँ पर आर्किटेक्चर तो कहीं बहुत सारे होते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली एक प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में यहाँ पर प्रॉपर पर्सन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, रोमन रोमन प्लेस पर्सन के बारे में जब भी बताया जाएगा तब वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस यहाँ से हम देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, रोमन, रोमन के जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक रोमन एक प्लेस है, यहाँ प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, प्रॉपर एक प्लेस को यहाँ पर प्रोनाउंस किया है कि बहुत से सारे प्लेसेस होते हैं लेकिन यहाँ पर एक प्लेस मेंशन किया है, यहाँ के बात के बारे में उसकी विशेषता यहाँ पर दर्शा रहे हैं यानी कि रोमन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो रोमन हो गया है यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पाउंड एडजेक्टिव, कॉम्पाउंड एडजेक्टिव होता क्या है, ए कॉम्पाउंड एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव That is made up of multiple individual words. Usually the words are connected by a hyphen. यहाँ पर जो भी कॉम्पाउंड एडजेक्टिव होता है यहाँ पर ईजी से पहचानने का आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए ये जो कॉम्पाउंड एडजेक्टिव होता है ये होता है मल्टीपल इंडिविजुअल वर्ड्स से, यानी कि ये जो वर्ड है ये नेवर एंडिंग ए इंडिविजुअल है लेकिन इन दोनों को जोड़कर बनने वाले को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉम्पाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक आपको ये है कि ये जब कभी भी आ जाएगा इसके साथ हाइफन जुड़ा रहेगा, कॉम्पाउंड एडजेक्टिव के साथ हाइफन जुड़ा रहेगा, जब कभी भी आपको हाइफन दिखे और कॉम्पाउंड एडजेक्टिव को यहाँ पर पूछा जाए तो आप इजी से यहाँ पर गेस करिएगा, जो भी हाइफन यहाँ पर दिखाई देगा आपको सेंटेंस में उसे आप फौरन ही चूज कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ए कॉम्पाउंड एडजेक्टिव इज मेड अप ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है अपनी अपनी इसकी अलग से मीनिंग है, यहाँ पर देखिए ये दोनों के सेम मीनिंग नहीं है, जेंडर अलग है न्यूट्रल अलग है लेकिन इन दोनों को यहाँ पर दो इंडिविजुअल मीनिंग को यहाँ पर जोड़ा है किसने, हाइफन के साथ। जब कभी भी सेंटेंस में दोनों वर्ड्स के बीच में आपको हाइफन दिखाया जाए तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉम्पाउंड एडजेक्टिव। देखिए eight hours fat hyphen free, next never hyphen ending, next Spanish hyphen speaking, middle hyphen aged, next gender hyphen neutral, out hyphen off hyphen out of the way। देखिए यहाँ पर तीन दो चार चार वर्ड्स के साथ हाइफन जुड़ा है, ऐसे वर्ड्स पे जहाँ कहीं भी हाइफन दिख जाए तो वो हो जाएगा कॉम्पाउंड एडजेक्टिव। बन हाइफन अगेन, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं लेकिन इन दोनों एक के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जो कि हाइफन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाले वक्त जो भी यहाँ पर वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कॉम्पाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, रीडिंग दिस बुक इन एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको कुछ पहचानना है। देखिए आपको यहाँ पर मैंने पूछा कॉम्पाउंड एडजेक्टिव जरूर पहचानिएगा, आपको यहाँ पर कुछ देखने का कुछ समझने का कुछ रूल अपनाने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर हाइफन है तो ये हो जाएगा आपका कॉम्पाउंड एडजेक्टिव, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट देखें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये हम जानेंगे अब। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव के जो यहाँ पर एडजेक्टिव होता है नाउन के साथ होता है, इसके साथ यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव कहा जाता है। ये आता है नाउन एंड प्रोनाउन को ये मॉडिफाइड करता है। जिन्होंने भी नॉन प्रोनाउन की सेशन नहीं देखी ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए तो विच कलर इज़ योर फेवरेट, तो देखिए यहाँ पर विच हो गया आपको क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। एंड यहाँ पर आपको ट्रिक जो है, यहाँ पर जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिख जाए, अगर आपको सेंटेंस ए बी सी डी आपको दिया जाए, उस सेंटेंस में आपको इंटरोगेटिव पूछा जाए और इंटरोगेटिव में अगर क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वो हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड दूसरा है यहाँ पर आपको जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में विच व्हाट एंड हुज दिखाई दे इन चारों में, तो वो हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इस प्रकार आप किसी भी एडजेक्टिव को इजी से मॉडिफाई गेस कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा हमने क्या बता रहे हैं। विथ ट्रिप विथ ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, तो डोंट मिस एनी सेशन, सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते ज़रूर चलिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू स्पेशली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन इन स्पेस और टाइम। जो कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पर आपको पोजीशन के बारे में बताएगा, पोजीशन को बताएगा एंड उसकी समथिंग यानी कि कुछ पोजीशन की कुछ पोजीशन को बताया जाएगा एंड सम स्पेस और टाइम के बारे में बताया जाएगा। ऐसे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल्स देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको पहचानने के ट्रिक हम यहाँ पर आपको बताते चले, जहाँ कहीं भी आपको दिस दैट दिस दोस्त किसी भी ऑप्शन में आपको इन चारों वर्ड्स दिख जाएं, अगर आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पहचानने को कहा जाए तो ये जहाँ कहीं भी दिख जाए वही आपका आंसर होगा एग्जाम में। तो यहाँ पर और विस्तार से एग्जांपल्स देखते हैं हम, किसे यहाँ पर कहा जाता है। देखिए दोस्त यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर दोस्त ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट यहाँ हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए हम जिस प्रकार बताए हैं वही आपको ट्रिक अपनानी है। देखिए यहाँ पर दोज हार्ड ईयर्स टुक ए टॉल ऑन हिम, यहाँ पर पूरे सेंटेंस में ये हार्ड ईयर के बारे में बता रहा है, बहुत ही मुश्किल थे उनके लिए जो यहाँ पर वो जो बीत चुके थे, वो हार्ड ईयर्स बहुत ही मुश्किल थे। यहाँ पर दोस्त के साथ इसको सेंटेंस को क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि एडजेक्टिव इसके डेमोन्स्ट्रेट बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्त डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई रिमेम्बर द डे लाइक इट वॉज यस्टरडे, आज मुझे याद है जो आज का दिन है वो यस्टरडे के जैसे ही है, यानी कि आई रिमेम्बर दैट उसे याद है। क्या याद है? लाइक इट जो यहाँ पर एस्टरडे था वो आज का दिन है। एस्टरडे जो था वो उसी प्रकार था जो उसे याद था, यानी कि यहाँ पर जो दैट के साथ जुड़ा है इसे क्या कहते हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। This day has been great, ये जो डे है बहुत ही ग्रेट है, ग्रेट चल रहा है, यानी कि इसे यहाँ पर जिसके साथ हम एक एडजेक्टिव की क्वालिटी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं, एक पोजीशन को बता रहे हैं, ये एक किस प्रकार का पोजीशन है, कहाँ पर है, ये पोजीशन बता रहे हैं। दिस यानी कि एक टाइम को यहाँ पर बता रहे हैं, एक टाइम को यहाँ पर बता रहे हैं, दिस डे दैट डे इस प्रकार हम दैट ईयर दिस ईयर इस प्रकार जो टाइम को यहाँ पर बता रहे हैं इसको कहेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आई होप जिनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा।
हम नेक्स्ट सेशन इसी पर बनाएंगे अगर आपको डाउट हो तो। आई होप यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखिए क्रैश कोर्स के बारे में फिर एक बार देव कहते हैं, हम यहाँ पर क्रैश कोर्स लीजिए, टारगेट हाईफुल है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इस बार, तो आप एक बार सोचिएगा टारगेट क्रैश कोर्स के बारे में। सेशन के एंड के जो भी हम सेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे उसके साथ हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाएगा, यानी कि आज के सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस टेलीग्राम पर पूछे जाएंगे, वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिएगा एंड यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन को शेयर करते चलेगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बैक टू बैक सेशन चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं। अंटी दे कीप स्माइल, बाय बाय।